साजन लोको प्रेजेंट पाओ असाते सवली नी गाय अपनी के जस तेरा गाइए दातिया पाओ असाते सवली नी गाय अपनी के जस तेरा गाइए दातिया सन सुर ते ज्ञान देव पातशाह जेवे तू बुलावे बोलिए साडा जन्म मनुखा हो जे सफला साडा जन्म मनुखा हो जे सफला ते शुक्र मनाइए दातिया असा ते सवली निगाह अपनी जस तेरा गाइए दातिया पाओ असा ते सवली निगाह अपनी जस तेरा गाइए दातिया तेरे दर तो नी खाली कोई मुड़दा जेड़ा लेके आउंदा आस है साडी सेवकां दी करो मंजूर जी जो भी कीती अरदास है जो भी कीती अरदास है तू ही सपना जियां दे विच वसदा तू ही सपना तू ही सपना जिया दे विच वसदा ते तेरा दिता खाइए दातिया पाओ असा ते सवली नी गाय अपनी के जस तेरा गाइए दातिया पाओ असा ते सवली नी गाय अपनी के जस तेरा गाइए दातिया मालका तेरी मेर ने मकाउना मैं मेरी नू तेरी मेर ने मकाउना मैं मेरी नू जो बंदा बने दाइए दातिया असा ते सवली निगाह अपनी जस तेरा गाइए दातिया पाओ असा ते सवली निगाह अपनी हो जस तेरा गाइए दातिया तेरे पाने विच भला होवे सब दा सुखी वसे सरबत जी मन नीवा रहे बच्चे हंकार तो उच्ची सुची देवो मत जी उच्ची सुची देवो मत जी रहिए सदा ही दतार तेरे बन के रहिए सदा ही दतार तेरे बन के ते तेरे अखवाइए दातिया पाओ असा ते सवली नी गाय अपनी आ जस तेरा गाइए दातिया पाओ असा ते सवली नी गाय अपनी के जस तेरा गाइए दातिया गुर चेत ते बगीचे भगवंत दी हाथ जान यार जोई है इको तेरा ही सहारा सच्चे पादशाह होर आसरा ना कोई है दी होर आसरा ना कोई है हर साना पमती आखे वाहेगुरु हर साना पमती आखे वाहेगुरु ते तैनू ना पलाइए दातिया सवली निगाह अपनी जस तेरा गाइए दातिया पाओ असा ते सवली निगाह अपनी जस तेरा गाइए दातिया पाओ असा ते सवली निगाह अपनी जस तेरा गाइए दातिया सारी संगत फतेह बुला दिओ गूंजा पा दिओ फिर अपने प्रकरण का मैं आगाज करा आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वीर जी कह रहे सन कि कल
श्री हरकृष्ण पातशाह महाराज जिया का चढ़ती कला का तुसा इतिहास सुनाया, बड़ा मन खुश होया। ते अज मीरी पीरी के मालक धन धन गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज के इतिहास का वह पन्ना करतारपुर की धरती से जो चौथी जंग का मुढ़ क्यों बजा, की कारण सी, वह पैदे खान जिन्हों महाराज ने पालिया पढ़ाया व्याया पालन हारे दे उते मुड़ के साथ संग जी किवें वह निमक हराम निकलिया, जिन्ना समा होएगा मैं वह प्रसंग तुहाडे सामने कहना है। आओ जी, मीरी पीरी दे मालक धन धन गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जिया ने पहला जंग 1628 सात संग जी अमृतसर का पिपली साहब का ओड़ा मुगल सुखान के नाल बड़ा भयानक युद्ध होया, ते दूसरा जंग फिर 1630 श्री हरगोबिंदपुरा जो गुरु साहब के पावन पवित्र नां ते आ, वो रियाड़की का एरिया चंदू के परिवार ने बड़ी ईरखा की, खान अब्दुल्ला बड़िया फौजा लैके आया, उत्थे भी भगवान दास केरड़ होना दी शिकस्त होई और मेरे पातशाह दी फौजा जितियां। फिर मालवे की धरती का फूल महाराज कदे भी सत्संग जी नहीं भुलेगा, जिथे राय योध वर्गे होर शेरां ने बड़ा वड्डा छेवें पातशाह का साथ दिता, उहदे विच लला बेग काबली बेग बड़े बड़े हंकारी जिहड़े उस वेले जरनैल सन वह भी सत्संग जी मारे गए। वह जंग होया 1632 विच। मैं हुण गल कर लगी हां आखिरी जंग दी, किवें मेरे गुरदेव पातशाह ने 1634 विच सत्संग करतारपुर का जंग जितया, जिन्ना भी समा होएगा जा जिन्ना भी प्रसंग लगेगा। हुण हजूर पातशाह महाराज यह जंग जित के तीसरा करतारपुर की धरती से बैठे ने, दुआबे का सा संगत बड़ा कुग वसदा यह कस्बा है, जदों बैठे ने ते इन्ने चिर नूं गुरदेव पातशाह दे कोल एक चित्रसैन सौदागर आया, कहिंदा महाराज मैं पहला अमृतसर आया, पता लगा कि गुरु मालवे विच ने, फिर मैं उत्थे गया ते पता लगा कि गुरदेव पातशाह इस वेले करतारपुर की धरती ती है। कहिंदा महाराज मेरा जहाज, क्योंकि मैं एक व्यापारी हाँ सौदागर हाँ, तुहाडी कृपा दे नाल वो जहाज पानी दे विच डिक्को डोले खांदा सी, ते मैं फिर अरदास कीती सी पातशाह कृपा कर दिओ, महाराज मेरा जहाज बनने लगा है, ते मैं ये जिंदगी जिहड़ी तुहाडी इमानत है, मैं चाहुंदा है कि जो सतगुर दीआं दातां विचों मैनू तुसीं मालो माल कीता है उहदे विचों महाराज आ मैं भेटावां लैके आया है। वह किहड़ियां किहड़ियां सात संगत, एक सत मुखिया घोड़ा बड़ा अश्चर्य सुंदर बड़ा बेकीमत बड़ा कीमती घोड़ा वह सात संग जी लैके आया गुरदेव पातशाह वास्ते, एक चिट्टा बाज जिन्हों वेखण वाले हैरान सन सात संगत वह लैके आया गुरदेव पातशाह वास्ते, ते एक सोने की मुठ्ठी वाली तलवार ते एक पोशाक होर सात संग जी मोहरा गुरु घर नूं मत्था टेकियां। हुण महाराज ने इहदी चढ़दी कला वास्ते नाम बाणी अभ्यास ते परमात्मा का शुकराना करन वास्ते और गुरदेव पातशाह ने बड़ी वड्डी इहदी ड्यूटी लाई, ये खुशियां सात संग जी खुशियां नाल झोलियां भर के गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज तो वापस चले गया। हुण इन्ने चिर नूं महाराज पहले जंगां दे विच इन्ना समा नहीं सी मिलिया, हुण महाराज अपने सिखां नूं इनाम दे रहे ने, वड्डे वड्डे इनाम दे रहे ने, ते इन्ने चिर नूं गुरदेव गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ने जिहड़ा सत्संग जी चिट्टा बाज बड़ा सुंदर है वह अपने वड्डे पुत्र गुरदित्ता जी नूं दे दिता, ते जिहड़ा ये सत्संग जी घोड़ा सी ना घोड़ा ते ये तलवार सोने की मुठ्ठी वाली यह गुरदेव पातशाह ने पैंदे खां नूं दे दित्ती। हुण पैंदे खां कौन है? यह सत्संग जी रहन वाला है काबल कधार भाव के अफगान का, जदों इहदे मापे मर गए चाचे ताया ने इहनू सत्संग जी उहनां दीआं नज़रां विच बगाना हो गया, किसे मूँह ना लाया, आखिर गुरु का श्रद्धावान सिख है वह कहिंदा महाराज जीओ एक बच्चा है जिन्हों कोई मूँह नहीं लाउंदा, कृपा करके तुसीं गरीब नवाज जे जिवें गुरु अमरदास पातशाह जीआं दे कोल वह प्रेमे वर्गा कोड़ी आया, महाराज ने उहनूं भी कुंदन वर्गा कर दिता ते अपना पुत्र बना लिया, इत्ते करो कृपा। हुण महाराज ने सात संगत इहनू पालिया और इहनू हत्थी खुराकां दित्तियां, इहनू महाराज ने जिहड़ी सात संग जी तलवार चलाउणी गतका खेडना नेजा पुटना और कई तरह के जंगी करतब सात संग जी इहनू सिखाए, ते कहिंदे ने इह दिनां दे विच ही
गुरुदेव पातशाह महाराज की बख्शिश नाल यह बड़ा बहादुर बन गया, सूरबीर बन गया और नाल फिर महाराज ने यदा विआह किया ते नाले साध संग जी और इनू पालिया नाले पढ़ाया नाले व्याया ते नाले इनू साध संग जी दिल विच थां दित्ती और अज गुरु जी एडे खुश ने एक घोड़ा ते साध संग जी एक सोने की मुठ्ठी वाली तलवार ते पोशाक ये तीन चीजा पैदे खां नूं दे दित्तियां। वेखो साध संगत किन्ने वड़े वड़े योधे सन पर इहदे विच वी कोई रमज सी कि महाराज जदों साध संग जी चीजा दे दित्तियां हुण अपने घर विच गया ते जाके पैदे खान अपनी घरवाली नूं कहिंदा करमां वालीए वेख छेवें पातशाह दे कोल किड्डे वड्डे जंगी जरनैल ने पर उहनां दी नजरे रहमत मेरे ते ही आ वेख किड्डियां बख्शां मेरे ते कीतियां ई। उह कहिंदी जी खैर वधिया होया किते नजर ना लग जावे कई बार खुशी सांभी नहीं जांदी हुंदी। हुण पैदे खान ने अपनी कुड़ी उहदा रिश्ता साध संग जी कीता है असमान खान दे नाल इहदे घर कोई पुत्तर नहीं ते उह भी साध संग जी घर विच रहिंदा है ते जदों उहने सुंदर अश्चर्य घोड़ा वेख्या जदों सोने की मुठ्ठी वाली तलवार वेखी जदों उहने पोशाक वेखी ते साध संग जी मन मोहिया गया बेईमान हो गया। एक दिन यह चीजा पहन के यह साध संग जी शिकार नूं चले गया। उधर मेरे गुरदेव गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज अपने वड्डे सपुत्र बाबा गुरदित्ता जी नूं कहण लगे भी इस बाज नूं लै जाओ जंगल दे विच ते छड्डो और इहदी जो भी इहदे विच गुण ने उह तों पता लगेगा। जदों साध संग जी बाज छड्डिया भी की किसी होर ते चोट करदा है होया की ते जदों साध संग जी बाज छड्डिया इधर समान खान ने इहदी माड़ी नीयत हो गई इहने भी साध संग जी बाज छड्ड दित्ता ते बाद विच इस बाज नूं पकड़ के अपने घर विच लै आया ते जदों पैदे खान आया उहने आख्या इह बाज ते गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जीआं ने मेरे सामने अपने वड्डे पुत्तर बाबा गुरदित्ता जी नूं बख्शिश कीता है इह बाज साडे घर की करदा है ते कहिंदी जी तुहाडा जवातरा असमान खान इह बाज लै के आया है। हुण पैदे खान अपनी घरवाली नूं कहिंदा करमां वालीए वेख ला आपां जतीम सां अनाथ सां गुरु ने साडे ते किन्नियां बख्शां ते रहमतां कीतियां इह बाज सानूं मोड़ देना चाहीदा है। की कह रहा अपनी घरवाली नूं कवीशर जथा हे इउं बयान करदा है सरवण करो। पैंदे ने ख्याल सोचिया सी दूर दा मोर वांगू रह गया विचो विच चूर दा मोर वांगू रह गया विचो विच चूर दा मत नूं टकाणे कर ला सुदानिए मोर दिए बाल गुरां दा पठानिए मोर दिए बाल गुरां दा पठानिए वत चू मकाले इक मुठ खंबा तो बचने नी फुलिए अगन लंबा तो बचने ना फुलिए अगन लंबा तो फेर बिगड़ी ना फेर बिगड़ी ना सूत आउणी ताणिए मोड़ दिए बाज गुरां दा पठानिए मोड़ दिए बाज गुरां दा पठानिए ऐस वेले सारिया तू असी उच्चे हां हीरियां दी लड़ी च पए पर उच्चे हां हीरियां दी लड़ी च पए पर उच्चे हां साडे उत्ते पातशाह दी मेहरबानी ए मोड़ दईए बाज गुरां दा पठानिए मोड़ दईए बाज गुरां दा पठानिए आओ घोड़े दे समेत मोड़ दईए बाज नहीं घोड़े दे समेत मोड़ दईए बाज नहीं इसे तरह बनया रहूगा राज नहीं इसे तरह बनया रहेगा राज नहीं मेरे आखे अरे लगदा सियाणी मोड़ दईए बाज गुरां दा पठानिए मोड़ दईए बाज गुरां दा पठानिए मार बैठा छाप ओ गुरु क्या चीजा नू बह गया गुआ कियो ता सबेरी जानू बह गया गुआ कियो ता सबेरी जानू हथों ना गवाईए बनी राज धानिए मोड़ दईए बाज गुरां दा पठानिए मोड़ दईए बाज गुरां दा पठानिए आओ तू अजे समझा ले आ
लग जांदा फल नेकी दी कमाई नू लग जांदा फल नेकी दी कमाई नू पाप दी कमाई मिलदी ना खाणी मोड़ दिए बाड़ी गुरांदा पठानी मोड़ दिए बाड़ी गुरांदा पठानी सीता नू चुरा के जदो रोण लग गया पल्ले दस उस दे सी की रह गया पल्ले दस उस दे सी की रह गया और मैन विच लिखी ओना दी कहानी मोड़ दिए बाड़ गुरां दा पठानी मोड़ दिए बाड़ गुरां दा पठानी तीन घोड़े खुस्से विच सी लाहौर दे गुरां ने मगाले ओ वी ना जोर दे गुरां ने मगाले ओ वी ना जोर दे बनना लड़ाई वाला माड़ा मोडनी पता नहीं है बाज कदों जावे उडनी पता नहीं है बाज कदों जावे उडनी फिर खाक दे समान होवेगी वरानी मोड़ दिए बाज गुरां दा पठानी मोड़ दिए बाज गुरां दा पठानी थोड़े दिन जूदे जिन्ना पाला वैरनी मोड़ सिंह सच्चियां सुनाउंदा शैरनी मोड़ सिंह सच्चियां सुनाउंदा शैरनी अजे भी जवाई वरद जनानी मोड़ दिए बाज गुरां दा पठानी मोड़ दिए बाज गुरां दा पठानी मनी धारीवाल साडे भाजी गुरदेव पातशाह का शुकराना करते हुए वड्डा सन्मान सानू साध संगत जी सन्मान करके गए ने कदरदानी का धन्यवाद साडे भाजी साजन फोटो स्टूडियो जो साध संगत बड़े निम्रता वाले ने बड़े प्यार वाले ने और जदों भी इत्थे आईदा सत्कार करते ने सौ दंबड़ा उन्हां वालों अरदास कराया है ते साध संगत कई बार ये साड़िया चीज़ा बड़ा वधिया कंप्यूटर दे नाल उन्हों ऐ सैट करके ते साध संगत जी फेसबुक ते भी पा देंदे आ यूट्यूब ते भी पा देंदे आ जिवें रिकॉर्डिंग होई हुंदी है स्टूडियो विच कई बार संगत की आवाज़ भी विच आउंदी है पर उन्हां नूं बड़ी तकनीक हुंदी है उन्हां वल्लों वड्डा माण आया है ते जदों खुशियां दा कोई प्रोग्राम होवे जरूर वीर नूं मौका दिया करो क्योंकि साध संगत उह बड़ी श्रद्धा रखदा छेवें पातशाह दे दर ते महाराज नदरे रहमत करन पाल सौ बड़ा चढ़दी कला वाला साध संगत जी मन्निया होया इह सौंड है क्योंकि पिछे जे रसूलपुर की धरती के गुरु नानक साहब के गुरपुरब से कहिंदा जथा सुन के वेखो फिर उन्होंने सानू वड्डा माण दिता कदरदानी का धन्यवाद ते गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह नदरे रहमत करन होर वीर वालों माण आया है आओ जी हुण पैदे खान अपनी घरवाली नू कहिंदा करमा वालिए मेरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद पातशाह ने बड़े उपकार कीते ही मैं जतीम मैं अनाथ मैनू संसार विच ये सारा कुछ गुरदेव पातशाह ने झोलियां मेरियां भरियां ने किते वेखियो मैं गुरु तो मुनकर ना हो जावां कोई इहो जिहा समा ना आ जाए हुण सात संगत जी होया की कहिंदे ने घरवाली कहिंदी जी धीआं दा जिहड़ा वसेबा हुंदा ना उह धीआं वालिआं दा सिर नीवां हुंदा है हाँ जदों पैदे खां अपने घर वाले नूं कहिंदी स्वामी जी जदों मेरा जवातरा घर आया उस्मान खान उहदे नाल मैं गल करांगी जदों उस्मान खान आया ते आके कहिंदी आ बेटा एक गल याद रखी गुरदेव गुरु हरगोबिंद पातशाह ने साडे नचीजां उत्ते बड़ियां बख्शां कीतियां ही इह चीज़ां बख्शिश कीती है इह सुंदर घोड़ा चिट्टा बाज ते पोशाक ज्ञानी गुरमेल सिंह परिंगड़ी बड़ा चढ़ती कला वाला सरंगी मास्टर और दोवें गुण ने इहदे विच उह साडे आए ने ते मेरी कौम दे मरहूम ढाडी ज्ञानी मेजर सिंह जी मेहदीपुर साहब जिन्हां ने लम्मा समा सिख स्टेजां ते बड़ा जोशीला प्रचार सी उहनां दा और उहनां दे पोतरे मैनूं ना भुल गया
रेशम सिंह जी बड़े तगड़े सरंगी मास्टर संसार संगत उन्हों का विरसा उन्होंने सांभिया है, सारा जत्था पहुंच चुका है। महाराज चढ़दी कला करे हर मदाने फतेह बख्शे। होर साडे नाल ढाडी पहुंच चुके ने। मैं एक कविता कह के समाप्ति करा। कहिंदे गुरु हरगोबिंद पातशाह दीआं इह बख्शां सानूं मिलीआं ने, इस करके बेटा इह बाज इह सुंदर घोड़ा माफ करना ये गुरु दियां ने, इस करके सानू ये बाज गुरु का बोड़ना पैना है, ते नाले ये चीजां किते ये भी चीजां ना साथों खुस जान। आखिर सत्कार यो सात संगत शामा नू उस्मान खान आया ते इहदी सस पैदे खान की घरवाली कहन लगी, बेटा उस्मान खान ये गुरु दियां बख्शां ने, इस करके ये बाज सानू मोड़ देना चाहिदा है क्योंकि गुरु ने साडे ते कृपावां बड़ियां कीतियां ने। हुण समान खान पता की कहिंदा, कहिंदा इक गल याद रखियो, छेवें पातशाह दे घर विच ना घोड़ियां दा घाटा है, ना बाजां दा घाटा है और ना पोशाकां दा घाटा है। हां जे किते बाज नू वापस करन वास्ते तुसां मैनू कहता ते मैं पता की करना है, मैं अपने खंजर पेट विच खंजर मार के मर जावांगा और जात तुहाडी धी नूं छड्ड देवांगा। वेखो साध संगत धीआं दा रिश्ता ही ऐसा हुंदा है, कहिंदा जां मैं तुहाडी धी छड्ड देणी है ते जे मैनूं चीजां वापस करन वास्ते आखिआ, ओए भराओ अकल ते पर्दा पै गिआ। आपणी घरवाली नूं की कह रिहा है कवीशर जथा, हे इउं बयान कर। सुनो मेरी अर्ज पुकार में खाने आसमान ताई छोड़ना, सुनो मेरी अर्ज पुकार में खाने आसमान ताई छोड़ना। धी बैठू मापिया ने बार में चीजा तो जवाई नू तमोड़ना, धी बैठू मापिया ने बार में चीजा तो जवाई नू तमोड़ना। मुखो आग सुनाया जीना जोड़ा, तीनू रखो मुखो आग सुनाया। करो मेरी गल दा तुबार में हो, करो मेरी गल दा तुबार में खाने आसमान ताई छोड़ना। धी बैठू मापिया दे बार में चीजा तो जवाई नू तमोड़ना, धी बैठू मापिया दे बार में चीजा तो जवाई नू तमोड़ना। सौ सुखना दी धी हाई को उसनू क्यों उजाड़ो, सौ सुखना दी धी हाई को उसनू क्यों उजाड़ो। ना दिल दुमा दा साड़ो, कर करके तुसी कोरियां गल्ला ना दिल दुमा दा साड़ो। साथ मिलदे ना चंगे बार बारिया हो, मिलदे ना चंगे बार बारिया, मिलदी ए लख ते करोड़ ना। धी बैजू मापिया दे बार में चीजा तो जवाई नू तू मोड़ना, धी बैजू मापिया दे बार में चीजा तो जवाई नू तू मोड़ना। जवाइया दे मूह रखने औखे हुंदे नाग जरीले, जवाइया दे मूह रखने औखे हुंदे नाग जरीले। जेकर डंग चलावन लग पैण हो, फेर ना डंड किले दे कर डंग चलावन लग पैने, फेर ना डंड किले। पिया जानदा तू इन्ना वाली सारना, वे जानदा तू इन्ना वाली सारना, पानी वांगू रिश्ते नू रोड़ना। धी बैठू मापिया दे बार में चीजा तो जवाई नू तू मोड़ना, धी बैठू मापिया दे बार में चीजा तो जवाई नू तू मोड़ना। दसो फैसला सिर दे सा
ਲਗਾਉਣੀ ਦੱਸੋ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਗਾਉਣੀ ਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਦਾ ਧੀ ਹੈ ਕਰੇ ਪਠਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਦਾ ਧੀ ਹੈ ਕਰੇ ਪਠਾਉਣੀ ਦੱਸੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਧੀ ਬੈਜੂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰ ਮੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੋੜਨਾ ਧੀ ਬੈਜੂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰ ਮੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੋੜਨਾ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਪੁਕਾਰ ਮੇ ਖਾਨ ਅਸਮਾਨ ਤਾਈ ਛੋੜਨਾ ਬੈਜੂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰ ਮੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੋੜਨਾ ਧੀ ਬੈਜੂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰ ਮੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੋੜਨਾ ਅਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਹੁਣ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੁਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਇਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਮੈਂਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਗਿਆਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੰਡਾਲਾ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਪੈਦੇ ਖਾਨ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਦਮੜਾ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਰੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਨਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਲੋਪੋ ਜਿੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਜਰਾ ਜਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰਾਓ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ ਇਹ ਮੈਂਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨਸਿਆਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁੰਭ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦਈਏ ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਦਾਰ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।